लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने दीपावली पर्व से पूर्व बड़ी कार्यवाही करते हुए एक उपयंत्री को 5 लाख रुपए की बड़ी रकम बतौर रिश्वत के रूप में लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण महेश्वर के उपयंत्री राहुल मंडलोई के खिलाफ की गई है। मध्य प्रदेश रोड कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार और उनके साथी प्रकाश पाटीदार ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक इंदौर राजेश सहाय के समक्ष एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उन्होंने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के तहत लोहारी फाटे से सिपटान और निमरानी से बोरावा रोड का निर्माण किया है, लेकिन उनके लंबित बिलों के भुगतान के लिए उपयंत्री राहुल मंडलोई द्वारा 15,50,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही। शिकायत की जांच के बाद 23 अक्टूबर को लोकायुक्त टीम ने उपयंत्री राहुल मंडलोई को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। यह घटना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हो रहे भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है और यह दर्शाती है कि अफसरशाही किस तरह से निरंकुश हो रही है। इस मामले में यह भी सवाल उठाया है कि क्या अकेले मंडलोई इस राशि की मांग कर रहे थे या यह रकम ऊपरी स्तर पर भी पहुंचाई जानी थी। अब बड़े ठेकेदारों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो छोटे ठेकेदारों की स्थिति कितनी कठिन होगी ये समझा जा सकता है। कसरावास से अखिल खान की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष जिसे पद के होने के बाद भी आपको रिश्वत के लिए परेशान किया जा रहा था, क्या कुछ मामला था? महेश्वर पीआईयू में हमारे द्वारा सड़कों का निर्माण किया गया है जो कि मेरे खुद के नाम से है। मेरे द्वारा जो काम है उसमें मेरे काम ओम प्रकाश पाटीदार जी को भी सबलेट किए गए हैं। 2020 के कार्य हैं जिनका भुगतान काफ़ी विलंब हो रहा था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पैकेज हैं जिनकी समय अवधियाँ भी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन उनके भुगतान भी सब इंजीनियर के चलते हुए एक डिमांड थी कि मुझे पैसे देंगे तो मैं काम करूँगा, और उन्होंने ये मेरे भुगतान पिछले 2 वर्ष की अवधि से लेकर कोई 8 महीने कोई 6 महीने और मेरे भुगतानों को रोका है। दोनों परेशान होने के बाद ही कर सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना भारत सरकार की महती योजना है, ऐसी योजना के ऊपर अगर ऐसी यदि कोई कर्मचारी इस तरह की मांग करता है तो आपने और क्या क्या प्रयास किए थे इसके पहले? हमने साइट इंचार्ज के अलावा महाप्रबंधक से भी काफ़ी बार निवेदन किया, महाप्रबंधक से ऊपर के अधिकारियों से भी बात की, भोपाल तक अधिकारियों से भी चर्चा की, अंततः हमें कहीं ना कहीं निराशा मिली। और उस निराशा में जब भी हम उच्च अधिकारियों से बात करते थे वो हमको कहते थे कि आपका अधिकारी ये कह रहा है कि आपका काम खराब है, आपने काम नहीं किया है, जबकि इनके द्वारा एसक्यूएम एनक्यूएम सारे टेस्ट करने के उपरांत ही बिल का निर्माण किया जाता है और उसके उपरांत भुगतान होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद गुणवत्ता पूर्ण होने के बाद भी ये पैसे की मांग को लेकर इस प्रकार की इन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, मजबूरन होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा। क्या लगता है कि ये कार्रवाई क्या लगता है कि क्या ये व्यक्ति ही थे या चैनल आगे तक भी हो सकती है? पूरे समंदर में भांग है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कौन कौन इसमें शामिल है, लेकिन मुझे उम्मीद थी उच्च अधिकारियों से, रोड कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश के सभी कॉन्ट्रेक्टरों की इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएँ हैं जिनको बहुत सारे कर्मचारी और उच्च अधिकारी नज़रअंदाज करते हैं। कभी उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि महाप्रबंधक और कॉन्ट्रेक्टर के बीच में हम जाकर तालमेल बिठाएं या जो कॉन्ट्रेक्टर कंप्लेन कर रहा है उसको जाकर हम स्वयं निरीक्षण करें। उन्होंने ये प्रयास किए बिना ही हमारी बात को खारिज कर देते हैं, जबकि उनको ज़मीन पर आके और इस बात की सच्चाई को जानना चाहिए। हो सकता है कि कॉन्ट्रेक्टर झूठ बोलता हो, लेकिन 100% झूठ नहीं बोलता, वो कमी पेशी कार्य में हो सकती है। ये नहीं कहना चाहते हम कि कार्य पूर्ण ही होगा, लेकिन कमी पेशी के बाद भी आप निर्देश देके कार्य को पूर्ण कराकर दोनों में तालमेल बिठा के भुगतान कराया जा सकता है। कितने लाख की मांगी थी इसमें रिश्वत? इन्होंने हमारे से 15,50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसके एवरेज में हमारे से चेक पहले मांगे गए, फिर हमें पार्ट पेमेंट करने का कहा गया,
फिर कहा कि आप उसमें से 5-5 लाख रुपए देते जाएंगे, मैं आपको चेक वापसी करते चले जाऊंगा, जिसमें 2 चेक मेरे 5-5 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए का एक चेक ओम प्रकाश जी का, 3.5 लाख रुपए का और 1-2 लाख रुपए का, ऐसे करके 15.5 लाख के हमने चेक इनको दिए थे, जिसमें से आज 5 लाख रुपए इनको नकदी राशि दी गई और उसमें से हमको इन्होंने 5 लाख का एक चेक वापस दे दिया। शेष चेक इनके पास 3 अभी भी है। पार्टी के कोई पत्ते भी हैं इसमें? देखिए, सामाजिक कार्यों में रुचि है, पाटीदार समाज का तहसील अध्यक्ष हूँ कसरावत का, भारतीय जनता पार्टी में भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, साथ ही नर्मदा प्रेमी होने के कारण नर्मदा जी का काम भी करता हूँ और अन्य कई संस्थाएं हैं जहाँ पर हम लोग अपनी जैसा भी समय मिलता है हम सेवाएं देते रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से रिश्वत की मांग की जाती है, इसमें पूरे भारत में भी ऐसा कुछ हो रहा होगा रिश्वत की? देखिए, पार्टी का प्रतिनिधित्व अच्छा करने का ही होता है, लेकिन पांचों उंगली बराबर नहीं होती। जिस प्रकार से ये कर्मचारी हैं, ऐसे सारे कर्मचारी भी नहीं होते हैं, और पार्टी पूरा प्रयास करती है कि निष्पक्ष न्यायप्रिय शासन चले, और उसी के चलते हुए इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं जो समाज को भी गंदा करने का प्रयास करते हैं और वर्तमान सरकार को भी गंदा करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम? मेरा नाम प्रकाश पाटीदार, निवासी कसरावत, रोड कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, लोकायुक्त टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किसी अधिकारी को अपडेट किया गया, क्या मामला है? मामला है शिकायतकर्ता ओम प्रकाश पाटीदार, जो कि प्रकाश पाटीदार फार्म के साथ मिलकर ठेकेदारी का काम करता है। इनके द्वारा रोड का निर्माण किया गया, रोड निर्माण के बिलों का भुगतान करने के एवज में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण महेश्वर के सब इंजीनियर राहुल सिंह मंडलोई द्वारा 15.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत दिनांक 16/10/24 को की गई थी। शिकायत का सत्यापन किया गया, शिकायत सही पाए जाने पर आज 5 लाख रुपए लेते रिश्वत लेते हुए उपयंत्री राहुल सिंह मंडलोई को फरियादी के घर पर रंगे हाथ पकड़ा गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।